बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन आज हमने क्वेश्चन नंबर करना है 8, क्वेश्चन नंबर 6 और 8, ये दोनों क्वेश्चन मेरे पास बुक का पेज नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे एक ही फॉर्मूले से हल होने, फर्क सिर्फ टर्म्स का है। अगर यहाँ पे 3p है तो दो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है 2x + 3y + 2 बोल कर चुके हैं। अब मैंने क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, क्या है 3p + q + r बोल चुके हैं। अब यहाँ पे आपने देखने कौन सा फॉर्मूला लगना है, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चंस को आपने गौर करते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं आपने, भाई कैसे पता चलेगा उन 10 फॉर्मूलों में कौन सा फॉर्मूला लगना है। अब देखो क्वेश्चन में कितनी टर्म है, 3, 1, 2, 3, तो अब इन 10 फॉर्मूलों में एक ही फॉर्मूला तीन टर्म्स वाला है। अब इसकी तो पहचान आसानी से हो जाएगी क्योंकि 10 फॉर्मूलों में एक ही फॉर्मूला तीन टर्म्स वाला है। वो फॉर्मूले आपने यहाँ पे क्या कर देना अप्लाई, वैसे यहाँ से फॉर्मूला नंबर क्या है आपके पास 6 है, a + b + c² = आपके पास इक्वल है आपके पास a² + b² + c² + 2 into ab + bc + ca। यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 6 आपने अप्लाई करता है। अब 6 फॉर्मूले में तीन टर्म्स हैं और उन तीनों टर्म्स का होल स्क्वायर है। अब पहली टर्म, दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म, तो ये आ जाएगा a² + b² + c² + 2 into ab + bc + ca आ जाएगा। अब फॉर्मूला तो आपको पता चल गया कौन सा अप्लाई करना है, अब किस तरह आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन मैंने लिख दिया 3p + q + r² होल स्क्वायर। अब ये जो है 3p, ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, जो q है ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, जो c है ये किसकी वैल्यू है, r जो है ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। अब फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, 6 फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये भी हमें पता चल गया a की वैल्यू क्या है 3p है, b की वैल्यू क्या है q है, c की वैल्यू क्या है r है। फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब a² अब a की जगह पे वैल्यू कूटी 3p होल स्क्वायर, अब a की वैल्यू क्या आपके पास 3p होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले वाला स्क्वायर मैंने लिख दिया, प्लस फॉर्मूले वाला b की वैल्यू q² b की जगह पे q, फॉर्मूले वाला स्क्वायर आ गया, प्लस फॉर्मूले वाला c² है, अब c की वैल्यू क्या है r का स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर है ये मैंने ये फॉर्मूले वाला लिखा है, प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ये वाला जो प्लस है ये फॉर्मूले वाला प्लस 2 इनटू ab है, ab ए और बी के दरमियान कोई साइन है, अगर दो रुकों के दरमियान कोई साइन ना हो उनके दरमियान साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है ए बी। अब ए की वैल्यू क्या है 3b, 3b लिख दिया, बी है, बी की वैल्यू क्या है आपके पास क्यू है, बी की वैल्यू आपके आपके पास क्या है क्यू, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, बी की वैल्यू क्या है आपके पास क्यू, ये क्यू आ जाएगा, ठीक हो गया, प्लस क्या है आपके पास बी सी, बी की वैल्यू क्या है क्यू, प्लस क्या है आपके पास c की वैल्यू r है, q r है, प्लस फॉर्मूले वाला ये वाला ca, अब ca, अब a की वैल्यू क्या आपके पास 3p, 3p लिख दिया इनटू क्या लिख दिया c की वैल्यू r, अब सिंपलीफाई करें, अब 3p का स्क्वायर, अब 3p का स्क्वायर, अब ये 3p का स्क्वायर, अब ये वाला जो स्क्वायर है ये 3 का भी है और p का भी है, अब 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, मतलब है 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा, और p का स्क्वायर, ये p के स्क्वायर का मतलब है p 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, p मल्टीप्लाई p, तो क्या आ जाएगा p2 ये आ जाएगा 9p स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया 9p स्क्वायर, प्लस q स्क्वायर, जैसे मैंने p स्क्वायर लिखा वैसे ही ये q स्क्वायर, प्लस r स्क्वायर, प्लस 2 ये वाला इनटू क्या है 3p इनटू क्यू, अब 3p को क्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, सॉरी 3p क्यू आ गया, अब जिसका कोफिशिएंट ना उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1 होता है, क्यू के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, इसका कोफिशिएंट 1, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3 आ गया, मुतगैर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल को p को q से मल्टीप्लाई किया p q आ गया, प्लस ये वाला
अब q को r से मल्टीप्लाई किया, q r आ गया प्लस ये वाला। अब 3 जिसको कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, p को r से मल्टीप्लाई किया p r आ गया। अब इक्वल 9p² प्लस q² प्लस r² प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है 2। अब ये जो 2 है ये हर टर्म के साथ क्या होगा, ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इस टर्म के साथ भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब ये कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 ऊपर, सॉरी यहां पे q आना था 6pq आ गया प्लस। अब 2 जिसका कोफिशिएंट था उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1, इस पूरी टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा q आ रहा है प्लस। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6p आ रहा है। इस तरह के आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बच्चों स्क्वायर वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे हम चलते हैं क्यूब की तरफ। अब क्यूब वाले क्वेश्चंस को आपने किस तरह सॉल्व करना है, अब मेरे पास आपको बुक का क्वेश्चन नंबर है 7 और 9, दोनों क्वेश्चंस एक जैसे एक ही फॉर्मूले से हल होने वाले, तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपके सामने है 2x + 3y होल क्यूब। अब कैसे पता चलेगा, अब क्यूब के दो फॉर्मूले हैं, एक अलग-अलग क्यूब का फॉर्मूला है और एक होल क्यूब के फॉर्मूले है, जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं। प्लस जो फॉर्मूला नंबर 7 है देखो, a का क्यूब अलग है b का क्यूब अलग है, a नंबर पे a का क्यूब भी अलग है b का क्यूब भी अलग है, अलग-अलग क्यूब के फॉर्मूले हैं। अब a प्लस का है और a माइनस का है, इसी तरह होल के भी दो फॉर्मूले हैं, a प्लस का है और a माइनस का, a प्लस बी होल क्यूब और लास्ट में क्या है a माइनस बी होल क्यूब। अब यहां पे कैसे पता चलेगा आपको, यहां पे अलग अलग क्यूब वाला फॉर्मूला लगता है या होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगता है, आपको उस टाइम ही पता चलेगा जब आपको ये 10 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह आते होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है 2x + 3y होल क्यूब। अब मुझे फॉर्मूला पता चल गया है क्योंकि ये 2x + 3 होल का क्यूब है, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, फॉर्मूला नंबर 9। कैसे, क्योंकि पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म है होल का क्यूब है, कहां पे पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म होल का क्यूब है, तो ये फॉर्मूला नंबर 9 आपके पास दिया हुआ है। अब ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3ab * a प्लस b प्लस क्या है b क्यूब के इक्वल होता है। अब फॉर्मूला हमने क्या करना है, ओपन करना है, क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। अब 2x + 3y होल क्यूब, अब ये जो 2x है ये आपके पास किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, और 3y किसकी वैल्यू है आपके पास, b की वैल्यू है। अब फॉर्मूले में वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है a का क्यूब, a की वैल्यू क्या आपके पास 2x लिख दिया। अब ये वाला जो क्यूब है, ये वाला क्यूब, ये फॉर्मूले वाला क्यूब है ये, प्लस 3 क्या है ab है। अब a की वैल्यू क्या आपके पास 2x और b की वैल्यू क्या आपके पास 3y, b की वैल्यू लिख दी 3y * क्या फॉर्मूले में a प्लस b, a की वैल्यू क्या आपके पास 2x प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास 3y प्लस b की वैल्यू क्या आपके पास 3y। ये वाला जो क्यूब है ये फॉर्मूले वाला है, फॉर्मूले वाला क्यूब। अब फॉर्मूला ओपन कर दिया, आप सिंपलीफाई करना मुख्तसर करना है, देखो किस तरह करना है, 2x का क्या है क्यूब है। अब 2x का क्यूब ये लो, 2x का क्यूब इसका क्या मतलब है, मींस ये जो क्यूब है ये 2 का भी है और x का भी है, ये वाला जो क्यूब है ये 2 का भी है और x का भी है, 2 का क्यूब, 2 के क्यूब का क्या मतलब है, 2 के क्यूब का इसका मतलब है 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस क्यूब का मतलब है 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 8 आएगा। अब x का क्यूब, x का क्यूब ये बेसिकली इस तरह बना है, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, पूरा की कहानी क्या कहते हैं, अगर बेस 1 जैसे हो मल्टीप्लाई हो गए बेस 1 का फल क्या है, इसकी पावर 1, पावर को क्या कर देना प्लस क्या आ जाएगा
एक्स की पावर 3 आ गई, तो ये मैंने लिख दिया 8x की पावर 3 लिख दिया प्लस ये वाली। अब कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18। अब वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई किया, x को y से मल्टीप्लाई किया, x y आ गया इनटू इस टर्म को मैंने वैसे लिख दिया, इस टर्म को 2x + 3 में वैसे आ गया प्लस 3y का क्यूब है। अब 3y का क्यूब इसका मतलब क्या है, 3y का क्यूब, 3 के क्यूब का क्या मतलब है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 27। जिस नंबर की जितनी पावर हो वो नंबर उतनी दफा क्या होगा मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर कितनी है, 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 27। अब y की पावर 3 जैसे मैंने यहां पे x की पावर 3 को आपको सॉल्व करके बताया, अब x की जगह पे y लिख दो तो क्या आ जाएगा y की पावर 3, तो ये आ जाएगा 27 y की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये मैंने लिख दिया, अब 3x क्यूब प्लस देखो अब इस 18xy और ब्रैकेट के दरमियान साइन क्या है, बजहर हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन यहां पे साइन क्या है मल्टीप्लाई का। अब ये जो 18xy है 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब 18xy को 2x से मल्टीप्लाई किया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36। ये मैं एक आपको साइड पे समझा भी देता हूं, 18xy * क्या है 2x। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 36, x से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई x, y का वैल्यू है लिख लो 36। अब बेस एक सेम है, बेस एक का फर्क पावर एक प्लस जमा हो जाएगा 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा 36x स्क्वायर y प्लस। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54, x है यहां पे x ही है, x वैसे आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 27y क्यूब आ जाएगा आपके पास। ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 10, 11, 12 ये तीन क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझाता हूँ, क्यों क्वेश्चन नंबर 12 समझाना है क्योंकि आपकी बेस बन जाए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13, 14 को सॉल्व करने की बेस बन जाए, आपको समझ अच्छी तरह आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास लिखा हुआ स्टेटमेंट 8x³ + 27y³, इतने क्वेश्चंस करने के बावजूद मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लग गई होगी है यहां पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। अब यहां पे मैंने पहले आपको बताया क्यूब के दो फार्मूले, एक अलग-अलग क्यूब का है और एक होल क्यूब का है, फिर अलग-अलग क्यूब के दो फार्मूले हैं और होल क्यूब के भी दो फार्मूले, एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब यहां पे आपको इजीली समझ आ जाएगी, देखो दो टर्म्स हैं, ये एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स के दरमियान साइन क्या है, प्लस का है, और यहां पे पहली टर्म का भी क्यूब है x क्यूब है, दूसरी टर्म में भी y का क्यूब है, तो हमें फॉर्मूला पता चल गया यहां पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होना है, अलग-अलग क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है, होल क्यूब वाला नहीं होना, क्यों, क्योंकि यहां पे अलग-अलग क्यूब का फॉर्मूला है, होल क्यूब का होता तो वो ब्रैकेट लगी होती, ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लिखा हुआ होता है, यहां पे हर टर्म के साथ अलग-अलग क्यूब है। अब और साथ साइन के प्लस का है, हमें फॉर्मूला पता चल गया यहां पे फॉर्मूला नंबर 7 अप्लाई होना है, क्या फॉर्मूला नंबर 7, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन मैंने लिख दिया 8x³ + 27y³ इक्वल, अब यहां पे बजहर तो एक टर्म है ये 8x³, लेकिन यहां पे दो टर्म नजर आ रहे हैं 8 और x। अब x का तो क्यूब है, 8 का क्यूब नहीं है हमारे पास अभी, अब यहां पे y का क्यूब तो है, 27 का क्यूब नहीं है, तो पहले हमें 8 का क्यूब बनाना पड़ेगा और 27 का क्यूब बनाना पड़ेगा। तो अब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, कैसे आपको पता चलेगा, अब आप 8 की क्या करो फैक्टराइजेशन करो 2 4 2 2 4 1, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 2 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया 2 की पावर 3।
x की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ये लिख दिया। प्लस 27 की भी आपने इसी तरह फैक्टराइजेशन कर लेना तो आपको आसानी से मिल जाएगा 27 किस चीज का क्यूब है, 3 का क्यूब है। अब y क्यूब आ जाएगा तो फिर यहां पे 12 का वाली ना प्लस हुए हैं क्या, अगर बेस मतलब हो बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं पावर को एक दफा 2x से मल्टीप्लाई किया 2x होल की पावर क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई किया। अब 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3y लिख दिया 3y होल का क्यूब लिख दिया। कैसे, क्योंकि बेस क्या है हमारे पास मुस्लिम है, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y आ गया। अब पावर एक पे जैसे पावर को एक दफा लिख दिया, अब देखो 2x होल का क्यूब प्लस 3y होल का क्यूब, तो इस फॉर्मूले में प्रश्न बन गया हमारे पास। अब प्रश्न फॉर्मूला क्या कर दो, ओपन कर दो। अब ये जो 2x है ये किसकी वैल्यू है आपके पास, a की वैल्यू है, ये 2x a की वैल्यू है और 3y किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू। फॉर्मूले में ओपन करो प्रश्न ये, अब a की जगह पे क्या आ जाएगा 2x प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा इनटू क्या आपके पास a स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या आपके पास 2x, ये वाला जो स्क्वायर है ये फॉर्मूले वाला है सामने। अब माइनस ए बी, ए की वैल्यू क्या है 2x इनटू बी की वैल्यू क्या है 3y प्लस बी का स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर क्या है 3y, अब 3y होल का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये फॉर्मूले वाला है प्लस बी का स्क्वायर। अब इक्वल 2x प्लस 3y इनटू 2x का स्क्वायर, अब 2x का स्क्वायर है तो क्या मतलब है, ये जो स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर भी है और ये 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा और x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब है 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, x को y से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा xy आ जाएगा। अब प्लस 3y होल का स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है ये 3 का भी है और y का, अब 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर। तो आपके पास आंसर इसका आया 2x + 3y * 4x - 6xy + 9y स्क्वायर। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप करना चाहें तो आप क्वेश्चन नंबर इसका 14 है वो आप कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नंबर 12 की समझ लग गई है, तो नहीं तो फिर मैं खुद ये क्वेश्चन नंबर 14 समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी, कल हम फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे।